हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन यूनिट में अभी तक हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, पार्ट पूरा किया। अब हम लोग हेलो एरिन्स टॉपिक में जा रहे हैं। तो सेम सारे व्यूज, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमिनेशन, आइसोमेरिज्म, फॉर्मेशन मेथड्स, प्रॉपर्टीज इन इट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूसेस एंड इट्स कंपाउंड्स, इट इज इन द समरी ऑफ हेलो एरिन्स। तो बहुत ही अच्छे कंपाउंड्स हैं, इंटरेस्टिंग नॉमिनेशंस हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले हेलो एरिन्स की डेफिनेशन को एक रिएक्शन के माध्यम से। सपोज दैट अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मींस एरिन्स में जो हाइड्रोजन एटम है, सिंगल हाइड्रोजन एटम है, ये जब किसी हैलोजन द्वारा सबस्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो प्राप्त यौगिक हैं वे हेलो एरिन्स कहलाते हैं। मींस इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अ सिंगल हाइड्रोजन एटम सबस्ट्रैक्ट बाय हेलोजन एटम, देन प्रोडक्ट इज नोन एज हेलो एरिन्स। नाउ स्टूडेंट्स, रिएक्शन से इसको क्लियर करते हैं। सपोज दैट बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका सिंगल हाइड्रोजन एटम किसी हैलोजन द्वारा रिमूव करा दिया जाए तो सबस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन से कंपाउंड जो मिलेगा वो हेलो एरिन्स होगा। यहाँ एक्स की जगह हैलोजन एटम में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज करें। नाउ एग्जाम्पल करते हैं इसका। सपोज दैट बेंजीन के स्ट्रक्चरल फार्मूले में नॉर्मल पोजिशन का हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, क्लोरीन इसको सबस्ट्रैक्ट करेगा यानी रिमूव करा देगा और सीएल एड हो जाएगा इसकी नॉर्मल पोजिशन पर। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन के सबस्ट्रक्शन से और हैलोजन के एडिशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वे हेलो एरिन्स कहलाते हैं और इसका नेम होगा क्लोरो बेंजीन। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ हेलो एरिन्स। इन्हें टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। सो फर्स्ट टाइप इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी नाभिकी हैलोजन व्युत्पन्न। तो डेरिवेटिव्स में अगर हम डिफाइन करें, इन्हें डेफिनेशन को बोलें, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का सिंगल हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हैलोजन्स के द्वारा एक एटम से या डिफरेंट हैलोजन एटम से रिमूव कराए जाएं तो ऐसे कंपाउंड्स न्यूक्लियर हेलो एरिन्स कहलाते हैं। सपोज दैट क्लोरोबेंजीन 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन एंड टालुइन की पैरा पोजिशन पर ऐड किया, यानी 4 नंबर पर काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 क्लोरो टालुइन आर द न्यूक्लियर हेलो एरिन्स। नाउ सेकेंड टाइप क्लासिफाइड करेंगे, साइड चेन हेलो एरिन्स। इन्हें कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ साइड चेन, यानी पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न। कैसे डिफाइन करें इन्हें, साइड चेन क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। जब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नॉर्मल पोजिशन पर कोई अन्य कार्बन का कंपाउंड जुड़े
OFG के रूप में, अदर फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो उसे साइड चेन मानते हैं। तो उस साइड चेन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु का सबस्ट्रक्शन हैलोजन्स के द्वारा होता है, या दो हाइड्रोजन परमाणुओं का या तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का सबस्ट्रक्शन हैलोजन एटम्स के द्वारा होता है, तो जो कंपाउंड बनते हैं वो साइड चेन हेलोएरिन्स कहलाते हैं। लाइक एज ए फिनाइल क्लोरो मेथेन, इसे बेंजाइल क्लोराइड भी कहते हैं। नाउ फिनाइल डाइक्लोरोमेथेन, इसे बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। नाउ फिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, इसे बेंजो ट्राई क्लोराइड कहते हैं। तो ये हुआ बेंजाइल क्लोराइड, ये हुआ बेंजाल क्लोराइड, और ये हुआ बेंजो ट्राई क्लोराइड। नाउ नॉमिनेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स का नॉमिनेशन। सबसे पहले रिंग के नंबर्स बता दूं आपको, ये पोजिशन 1 है, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन बेंजीन नंबर 1 पोजिशन इज नोन एज नॉर्मल पोजिशन, N से डिनोट करते हैं। नंबर 2 इज नोन एज ऑर्थो पोजिशन, O से डिनोट करेंगे। नंबर 3 पोजिशन इज नोन एज मेटा पोजिशन, M से डिनोट करेंगे। एंड नंबर 4 पोजिशन इज नोन एज पैरा पोजिशन। तो ये 4 पोजिशंस हैं आपको जो कंपाउंड्स में मिलने वाली हैं, नॉर्मल पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो उस समय सबसे पहले हैलोजन्स का नॉमिनेशन करेंगे, लाइक एज ए सीएल के लिए क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो, आई के लिए आयडो, और देन बेंजीन लिखेंगे। तो इसका अगर नॉमिनेशन करेंगे तो ये लिखेंगे क्लोरो बेंजीन। नाउ सेकंड एग्जांपल, सपोज दैट ट्राई हैलोजन एटम्स एड हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो इनका नॉमिनेशन करने के लिए जिन नंबर्स पर ये एड होंगे उन कार्बन नंबर्स को भी लिखेंगे, जितने टाइम्स एड होंगे उनका टेक्सा यूज करेंगे, लाइक एज ए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो अगर इसका नॉमिनेशन करेंगे तो 1 पोजिशन, 2 पोजिशन और 3 पोजिशन के लिए 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और जब इसका नॉमिनेशन करेंगे तो 1 पोजिशन पर, 3 पोजिशन पर एंड 5 पोजिशन पर सीएल एड है, तो इनके नंबर्स बोलेंगे 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। नाउ फॉर्मेशन मेथड्स करेंगे हेलो एरिन्स की। हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन हेलोजिनेशन द्वारा करा सकते हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा भी इनका फॉर्मेशन करते हैं। आइए रिएक्शन के माध्यम से इसको समझते हैं। सपोज दैट बेंजीन एटम रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और FeCl3 इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में यह अभिक्रिया होगी और सिंपल टेम्परेचर पर, साधारण ताप पर क्रिया कराएंगे। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम Cl के एक हाइड्रोजन एटम से, Cl एटम से रिएक्ट करेगा और HCl को सबस्ट्रैक्ट करेगा। देन इस Cl की पोजीशन नॉर्मल पर एडिट हो जाएगी, जिससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, ये हेलो एरिन यौगिक होगा। सेकेंड रिएक्शन, बेंजीन का नॉर्मल पोजीशन का हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्ट करा दे तो HBr सबस्ट्रैक्ट होगा और ये ब्रोमीन एटम नॉर्मल पोजीशन पर ऐड हो जाएगा, जिससे ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा।
नाउ सेकेंड फॉर्मेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, इट्स नेम इज सेंडमायर रिएक्शन। आपको बताऊं कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमिनेटेड रिएक्शंस मिलने वाले हैं जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, नाम से ही इन रिएक्शंस को पूछा जाता है। तो इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं और अकॉर्डिंग टू मेथड फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट्स, यानी डाई एजोनियम लवण द्वारा हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले डाई एजोनियम साल्ट की बात करें, जिन एरोमेटिक यौगिकों में एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल एड होगा उन्हें डाई एजोनियम लवण कहते हैं। तो जैसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, साल्ट का रिएक्ट सी यू सी एल टू एंड एच सी एल की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये एडिट होकर के क्लोरोबेंजीन देता है और ये दोनों नाइट्रोजन एडिट होकर के नाइट्रोजन अणु के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में आउट हो जाते हैं। इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सी यू बी आर टू एंड एच बी आर रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ ब्रोमीन एडिट हो जाएगी जबकि क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो Cl एटम आयनिक फॉर्म में Cl आउट हो जाएगा। ये लास्ट का रिएक्शन बेल्ज सीमेन रिएक्शन कहलाता है और इस प्रकार हम लोगों ने हेलो एरिन्स के फॉर्मेशन के रिएक्शंस कंप्लीट किए।